नमस्कार दर्शकों, मैं हेमांगी खोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी की शक्ति बायोसाइंस में लगी भयानक आग। उमरगांव के मरोली माछीवाड़ में एक कोरोना मरीज को लेने पहुंचे आरोग्य और पुलिस विभाग के कर्मी का ग्रामजनों ने किया विरोध। राज्य मंत्री रमन पाटकर ने बारिश से प्रभावित हुए 1000 परिवार को सहाय प्रदान की। वलसाड में मक्का मदीना में टेंट भाड़े से देने के बहाने धोखाधड़ी करने वालों को किया गया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार में। वापी की एक कंपनी में लगी भीषण आग। वापी पदम प्लास्टिक के पास आई शक्ति बायोसाइंस नाम की कंपनी में आज सुबह अचानक जबरदस्त ब्लास्ट से भयंकर आग लगी थी। यह आग इतनी विशाल थी कि करीबन 8 से 10 किलोमीटर यह आग का धुआं दिखाई दिया था। यह आग की वजह से कंपनी में रखे हुए सॉल्वेंट के बैरल रखे थे, जिसमें आग लगने की वजह से ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट की वजह से किसी को जानहानि हुई है कि नहीं, यह अभी तक सामने नहीं आया। इस घटना की वजह से समग्र वलसाड जिले की पुलिस, फायर विभाग, जीपीसीबी अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे थे। इस आग को बुझाने फायर विभाग को कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। इस आग में समग्र जिले के फायर फाइटर, दूसरी अन्य कंपनी के फायर फाइटर घटनास्थल पर पहुंचे थे। यह आग इतनी विशाल थी कि अभी तक आग पे काबू नहीं पाया गया। ત્યારે અમને જ્યારે 11 ને સવા 11 વાગે અમને જ્યારે ખબર પડી કે શક્તિ બાયોસાયન્સમાં મોટી ફાયર લાગી, હ્યુજ ફાયર લાગી છે, એટલે દરેક જગ્યાએથી ફાયર બ્રિગેડને અમને મોકલી આપ્યા। ટોટલ 10 ફાયર બ્રિગેડ અત્યારે હાજર છે। અત્યારે ફાયર હજુ ચાલુ જ છે અને પ્રાથમિક જાણકારી એવી જાણવા મળ્યું કે ઉપર સેકન્ડ ફ્લોર ઉપર પહેલે ફાયર લાગ્યું, ક્યારે કે કેવી રીતે લાગી એ કોઈને ખબર નથી, અને અત્યારે ફાયર ચાલુ છે, અંદર જઈ શકાય એવી પરિસ્થિતિ નથી। બીજું કે એ લોકોના જે માણસો પરથી જાણવા મળ્યું કે કોઈ બધા માણસો બહાર નીકળી ગયા છે, કોઈ કેઝ્યુલિટી કે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી। અત્યારે એ તો દસ વર્ષથી ફેક્ટરી બંધ હતી, એ ફેક્ટરી બંધ હતી અને અત્યારે જ રિનોવેશન કરીને ચાલુ કરી, પણ હજુ તો 10% પણ ચાલુ કરવામાં આવેલ નથી। કંપનીમાં એ તો ફાર્માસ્યુટિકલ આઇટમ બનતી હશે, કેમિકલ આઇટમ છે, અને અંદર જે છે સ્ટોરેજ જે છે એ સોલવન્ટ અને એ જ હશે, કારણ કે ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની છે। એ એક્ઝેક્ટ ખબર નથી, પણ બેગ એટલે ડ્રમને હોય, ડ્રમની અંદર કેમિકલ હોય, એટલે બેગ બ્લાસ્ટ થઈ ગયા છે, શોર્ટ સર્કિટ અથવા કેમિકલના કોઈ રિએક્શનના લીધે થયું હોય। એ શક્તિ કંપની કા નામ શક્તિ બાયોસાયન્સ લિમિટેડ હે, વો દવાઈ કે ફેક્ટરી હે, ફાર્માસ્યુટિકલ દવાઈ બનાતા હે, ઓર અભી અચાનક સે ફાયર હુઆ હમારા થર્ડ ફ્લોર મેં કેસે ફાયર હુઆ પતા નહીં અભી। और जब भी फायर लगा हमारा आदमी लोग देखे तो सब लोग को बुला लिए हम लोग असेंबली पॉइंट में। टोटल जितना आदमी थे फैक्ट्री में काउंट थे, सब काउंट करके बाहर निकाल लिए। उसके बाद हम लोग फायर ब्रिगेडर को बोले, फायर ब्रिगेडर वाला आया, अभी उनका चालू है, ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ गया अभी। ब्लास्ट कैसे हुआ? ब्लास्ट अभी सॉल्वेंट है उसमें, अपना जो ड्रम है 130 ड्रम, अपना 130 से 120 के 130 ड्रम करीब होगा, उसमें अपना पहले का 2011 से जो प्रोडक्ट बनाया हुआ था उसका इंटर मटेरियल था, तो वो मटेरियल हम लोग डिस्टिलेशन करने के लिए ये करते हैं। तो अभी हम लोग का फिलहाल प्लांट शटडाउन जैसा था। ब्लास्ट जैसे फायर पकड़ा ना, ऐसे हम लोग सब आदमी को बाहर निकाल दिए थे। उसके बाद से काफ़ी टाइम के बाद से ब्लास्ट हुआ, काफ़ी टाइम के 2 या 3 ब्लास्ट हुआ।
उमरगांव तहसील के मरोली माछीवाड़ में आरोग्य विभाग और पुलिस कर्मियों का गांव के लोगों ने विरोध किया। उमरगांव तहसील के मरोली माछीवाड़ में कोरोना के लक्षण दिखते एक युवक को लेने गए आरोग्य कर्मी और पुलिस कर्मी का गांव के लोगों ने विरोध किया। सोशल मीडिया में वायरल हुए इस वीडियो में गांव के लोगों द्वारा आरोग्य विभाग की कामगिरी पर सवाल उठाने में आए थे। मरीज के ब्लड के सैंपल भी नहीं लेने में आए थे। साथ ही साथ आरोग्य विभाग के कामदार और पुलिस कर्मी डराते धमकाते होने के भी आरोप लगाए थे। दूसरे वीडियो में गांव के आगेवान द्वारा जिस युवक को आरोग्य कर्मी लेने आए थे उसके साथ हुई चर्चा में उस युवक ने बताया था कि आरोग्य विभाग द्वारा ब्लड सैंपल लेने में नहीं आया था, सिर्फ नाक और मुंह के लार के सैंपल लिए थे। इस मामले में तहसील आरोग्य अधिकारी ने कहा था कि बहुत से मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे थे, मगर वायरस के कारण वे अन्य व्यक्तियों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को होम क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया है। सुविधा न होने की वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल करते ग्रामजनों द्वारा विरोध करने के बाद आरोग्य कर्मी और पुलिस कर्मी के चले जाने का पता चला है। જો ભાઈ એટલે એટલે પબ્લિક ઉભેલું છે એટલું પબ્લિક જોઈ લેવા બધાને એના કરે બધાને જબરજસ્તી નો લઈ જાવ એ લોકો મારે કોઈ નહીં મળે એમને વાત સમજતા એ લોકો મેં ભૈયા છે લઈ જાવ કરુણા છે કે તમે આ લેવા એ કોઈ ના ફાઈ એવા હોય એટલે ये लोग अब गाड़ी लेने वाला डायरेक्ट भाई ओ भाई लाल मास ओ ये मैडम एक मिनट चेयर दे हां तो भाई एमएल एमएल हां तो ए ओ मेरे जा चेयर दे चेयर भाई आ मानस भाई फोटो वीडियो करीने आ मानस वीडियो करीने ले गया छे બધાને પાછે પોલીસ લઈને આવ્યા છે આ ભાઈ પોલીસ લઈને આવ્યા છે આ ભાઈ આઈ દે માસ્ક કર તો માસ્ક બતા ચહેરા બતા ને તમારા ખબર પડ તમને એ ચૂપ એને પૂછ્યું મેં ખાલી માસ્ક કાઢો એમ કરે ચહેરા બતાવ એમ કીધું ખાલી 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 ચહેરા બતાવ એને શૂટિંગ કરી પેલા આ શૂટિંગ કરીને લઈ ગયો પેલા એ એ ભાઈ પેલા આ ભાઈ શૂટિંગ કરીને લઈ ગયા પેલા પછી તમે આવ્યા તમે પેલા શૂટિંગ કરીને લઈ ગયા આ ભાઈ પછી તમે આવ્યા છે હોસ્પિટલ આ લોકો દાદાગીરી કરે છે અમારી સાથે જબરદસ્તી કરે મારા સાથે લઈ જવા માટે આ લોકો જો આ જે ગાડી આ ગાડી છે આ લોકો દાદાગીરી સાથે વાત કરે બધા સાથે દાદાગીરી સાથે વાત કરે છે અને આ લોકો બધાને બીડાવીને લઈ આવ્યા બીડાવીને આ લોકો જો બ્લડ લીધેલું ને બ્લડ પોઝિટિવ આવ્યું પણ લોહી લીધેલું નહીં ખાલી નાકમાં લખેલું મોડામાં લખેલું તે જ ને લોહી કોઈ કઈ લીધેલું નહીં મારા માટે મારા બે જણ બીજા છે એ બી જોયેલું હા તે લોકો ભી નાકમાં લીધેલું મોડામાં લીધેલું બસ બીજું કઈ લોહી એ લોકો આરોગ્ય વિભાગની ટીમ એમ કે
એ તારું બ્લડ લીધેલું 5 તારીખે 6 તારીખે કે 7 તારીખે આજે કેટલા 1 તારીખ 7 તારીખ એક દિવસમાં 6 તારીખનો રિપોર્ટમાં આમ કે તારું બ્લડ પોઝિટિવ આવ્યું એમ અત્યારે ફોન આવ્યો બધા સાંભળ્યું કે નહીં એવી ખોટી અફવા ફેલાવે નહી સરકારી વિભાગ ને ખાસ વિનંતી કે અહીંયા ખોટા રિપોર્ટ લઈને અહીંયા આવે નહીં માછીવાડ માં તો આવતો જ ને ભૂલે ચુકે પછી ગાડી હાથે જપ્ત કરવામાં આવશે ગામ લોકોનો વિરોધ નો સામનો કરવો પડશે ખોટી રીતે કોઈને ઉપાડી નહીં જાય મહેરબાની કરીને उमरगांव तहसील के विधायक और राज्य के संवेदनशील मंत्री रमन भाई पाटकर के प्रयास से निराधार पिता को रूपए 4 लाख की सहाय कुछ ही वक्त में मिली। उमरगांव तहसील के देहरी गांव में आकस्मिक घटना में 20 वर्षीय आशास्पद युवक की अचानक मौत होते निराधार वृद्ध पिता को बड़ा सदमा लगा था। ग्राम पंचायत के होद्देदार और अग्रणियों ने मंत्री रमन भाई पाटकर को रजवाद करते कुछ ही वक्त में राज्य सरकार की ओर से आकस्मिक मृत्यु सहाय के तौर पर रुपए 4 लाख का चेक निराधार वृद्ध पिता को मंत्री रमन भाई पाटकर के हाथों देने में आया था। घटना अंतर्गत तलाटी कम मंत्री वसंत भाई ने बताया कि दिनांक 5/8/2020 की रात को बिजली गिरते 20 वर्षीय युवक ऋत्विक दयाराम भंडारी की मौत हुई थी। युवक की मौत से वृद्ध पिता को बड़ा सदमा लगा था। देहरी ग्राम पंचायत के होद्देदार और जागृत आगेवानों द्वारा वृद्ध पिता को आर्थिक सहाय मिले इसलिए मंत्री रमन भाई पाटकर को रजवाद की थी। संवेदनशील मंत्री द्वारा वृद्धावस्था में आई बड़ी मुसीबत के वक्त राज्य सरकार की ओर से रुपए 4 लाख का चेक देकर मृतक युवक के पिता को सांत्वना दी थी। देहरी ग्राम पंचायत सरपंच कल्पना बहन उप सरपंच केतन भाई तलाटी कम मंत्री वसंत भाई ग्राम पंचायत के सभ्य और आगेवान दुख के वक्त युवक के पिता को सांत्वना देने मंत्री रमन पाटकर के साथ उपस्थित रहे थे। कुदरत के अंदर 40% लोग एवं सारा मास ने बोलाई ले 60% लोग जो पाप करता हो एवं मास ने बोलाई कुदरत ने प्रार्थना करी आप सबके कि तुम्हारा दिक्कत सारी जगह पर रहे सुख शांति में रहे બરાબર કુદરતને જે કહ્યું તે કહ્યું સરકાર દ્વારા આજે એક રાજ્યના મંત્રી તરીકે અહીંયા છું તમારી પાસે આવ્યો છે 4 લાખ રૂપિયા જે સરકારની સહાય આપવાની ધોરણ છે એ ધોરણના પ્રમાણે તમારા ખાતાની અંદર લીધી તીથી 4 લાખ રૂપિયા જમા કરવામાં આવ્યા છે અને તેની આ પંચે આપી દેવાની છે ને આ સમયે અમે તારીખ 5/8/2020 ની રાત્રે જે અવકાશીય વીજળીથી ભાઈ શ્રી ઋતિક દયારામ ભંડારીનું આકસ્મિક મૃત્યુ થયું બહુ દુઃખદ ઘટના છે અને પછી એ પોસ્ટમોર્ટમ કરી અને એના પછી જે સરકારી સહાય આકસ્મિક મૃત્યુ સહાય આપવાની થતી હોય છે તે માત્ર 3 જ દિવસની અંદર અમે અને ગામ લોકોના અને તાલુકા પંચાયત અને સરકારી તંત્ર તેમજ આપણે આજે પાટકર સાહેબ આવેલા એમના હસ્તે 4 લાખની સહાય એમના ઘરે જઈને રૂબરૂ આપેલ અને તે ચેક અમે બેંકમાં જમા કરાવેલ આમ બહુ દુઃખદ ઘટના છે પરંતુ આ સરકારની સહાય અને ગરીબને આજે તાત્કાલિક મળી છે તો આપણે એમના દુઃખમાં સહભાગી થયા છીએ। રાજ્ય પ્રધાન રમણ પાટકર દ્વારા બારિશ મે જાન માલ કો નુકસાની ભુગતને વાલે 1000 પરિવાર કો નગદ રાશિ ઓર વિત્તીય સહાયતા ચુકાને મે આઈ। उमरगांव तहसील में मूसलाधार 14.50 इंच बारिश होने के बाद कई गांव में लोगों का स्थानांतर करना पड़ा है और जानमाल की नुकसानी भुगतनी पड़ी है। तब स्थानिक विधायक और आदिजाति वन प्रधान रमन पाटकर ने असरग्रस्त विस्तार का दौरा किया था। पाटकर ने इस अंतर्गत जानकारी दी थी कि उमरगांव में कुल 1000 परिवार असरग्रस्त बने हैं, 2 मौत हुई है। सरकार के जिम्मेदार अधिकारी के रूप में तुरंत इस सभी असरग्रस्त परिवार को राशन सहित किट देने में आई है, जिसमें 66,000 तक की नगद सहाय सहित की सामग्री देने में आ रही है। भारी बारिश की वजह से इस विस्तार में आए बोरलाई, खातलवाड़ा, संचाण, भिलाड़, धोड़ीपाड़ा, जारोली,
अंकला सहित के गांव में 5 फुट पानी भर गया था, जिसमें गांव के लोगों का घर का सभी सामान बह गया था। ऐसे परिवारों को नगद सहाय देने में आई है। तब 2 व्यक्ति की मौत हुई है, जिसमें एक की बिजली गिरने से, जब दूसरे की मौत कार समेत पानी में डूबने से हुई है, जिसमें 4 लाख की सहाय के चेक देने में आए थे। आपको बता दें कि भारी बारिश में 1000 जितने परिवार असरग्रस्त हुए हैं। तब 4 जितने गांव के मुख्य रास्तों की कटाई हुई है, जिसके लिए PWD ने कामगिरी शुरू की है। GEB ने भी थम्बे और केबल रिपेयरिंग की कामगिरी शुरू की है। अतिवृष्टि 14 इंच वरसाद पड़वाने कारण केटलाक गामों की अंदर खूबज नुकसान थयु, धोवाण थयु, घनी मोटी मात्रा की अंदर घरों अंदर पानी घुसी गया। एक सरकार की जवाबदारी तरीके आज अमे अमरा भारतीय जनता पार्टी प्रमुख मुकेश भाई, अमरी महामंत्री टीम और सरकार अधिकारी साथ मिली अमे आ विस्तार की मुलाकात में आज करी छे। एमां टोटल जे गई काले सरकार द्वारा मैं सूचना अपी थी, एना कारण सर्वे रिपोर्ट मिली गयो, अने जेने सिप्टिंग कर्या छे एवा 107 कुटुंब ने 579 परिवार, अने एमा टोटल 32010 जे अमारा केस्टोल सहाय आपवा पड़े। केस्टोल सहाय एटले के जेने सिप्टिंग कर्या होय एने એને એક માણસને 67,000 પ્રમાણે જે રકમ આપવા પડે એ ચૂકવવામાં આવી છે। આ માત્ર 3 ગામની છે, 3 ગામની અંદર ખતરવાડા, સંજણ અને ભીલાડ। તદુપરાંત આજે અમે નગવાસ ગયા, અંકલાસ ગયા। અંકલાસની અંદર તો ખૂબ માત્રાની અંદર ઘરોની અંદર ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયું છે, અને એ ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયું એટલે 1-2 ફૂટ નહીં, 5-5 ફૂટ પાણી અંદર ઘૂસી ગયા, અને એના કારણે અને ઘર વખરીનું જે અનાજ ભરેલું હતું એ બધું જ તમામ ખલાસ થઈ ગયું છે। જરોલીથી અંકલાસ જતા રસ્તા ઉપર 5-5 ફૂટ પાણી પડ્યા, અને એના કારણે આખો જે સ્ટેટનો નવો રસ્તો હતો એ આખો ધોવાઈ ગયો છે, અને ત્યાં પણ આજે કામ કરતા મેં PWDના અધિકારીઓને જોયા, અને ત્યાં અમારા સ્લેબ ડેમ બનાવવા પડે એ પરિસ્થિતિ પણ ઊભી થઈ છે। 2 માણસો મરણ પામ્યા છે દુઃખદ, તેમાં એક ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના છે, એક ભાઈ દેહરીના અને બીજા આપણા વાપીના વતની, પરંતુ એનું ફાર્મ હાઉસ જે અંકલાસ ઉપર છે, અંકલાસની બાજુ પર જરૂરી પર છે, એમનો દીકરો એમાં મરણ પામ્યો છે। અત્યારે કલેક્ટરની ટીમ પણ આ વિસ્તારની અંદર જોવા માટે જાય છે કે જ્યાં વધારે 14 ઇંચ વરસાદ પડવાના કારણે જે અતિવૃષ્ટિ થઈ છે, અને એમાંથી કમસે કમ ટોટલ મારા ખ્યાલે 1000 જેટલી કુટુંબોને એની અસર સીધી થઈ છે। सांसद मोहन डेलकर ने अपनी टीम के साथ दपाड़ा, वासोड़ा और पाटी गांव के बाढ़ पीड़ित परिवारों को मिले। गरीब जनजाति को मदद रूप होने आश्वासन दिया। जिला पंचायत प्रमुख, सरपंच, सभ्यों सहित के जन प्रतिनिधियों और जनजाति विकास संगठन की टीम को सभी घरों के नुकसान का सर्वे करने की कामगिरी सौंपी है। છોકરા બચાવી લીધા, આટલા પાણીમાં તો છોકરાઓ નુકસાન થઈ જશે, આખું ફેમિલી તમે અહીંયા જ રહી। હવે હમણાં दपाड़ा गया और छाटीपाड़ा, दपाड़ा में, दपाड़ा पंचायत में 3 गांव में, दपाड़ा में पाटी और दपाड़ा छाटीपाड़ा में नुकसान हुआ। यहाँ वहाँ पर जाके साहब ने विजिट किया और सबको आश्वासन दिया, जो भी नुकसान हुआ हम लोग आगे उसका बात करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सबको आश्वासन दिया। सब तरफ से तो अभी हमारा सेक्रेटरी मंत्री साहब ने उसको, उसने सब घर घर जाके सब सर्वे किया और कितना जो भी नुकसान हुआ वो सब सर्वे किया, और अक्षय पात्रा से कुछ खाना पीना के लिए, खाने के लिए सब व्यवस्था किया और रहने के लिए स्कूल में व्यवस्था किया। साहब आए तो पानी आया, फुगलाई दो आए आयो
ધારે છે ને આ ધારીને બધો કચરો આવીને જમા થઈ ગયા. નુકસાન તો બહુ લોક નથી, ત્યાંથી તો બહુ લોક થઈ ગયું. આ તો આ ધારે તૂટી ગયા એટલે તો બધું પાણી ખેંચાઈ ગયું. આ મોટો સાહેબ આવેલો છે તો આ કઈ આપી દે. કાફી દિનો છે, ये साल 2004 में बहुत बाढ़ आने के वजह से लोगों को बहुत नुकसान हुआ है. चावल सब बिक गया लोगों का, तो खाने में बहुत दिक्कत हो रही है. तो अभी सांसद सर आए हैं विजिट के लिए, तो मुआवजा देने की बात चल रही है और मुआवजा दे रहा है, तो उनके लिए सहायता लोगों को मिलेगा. वापी राफेल कॉलेज 6 DC में रोटरी आरती डेडिकेट हेल्थ सेंटर का कलेक्टर के हाथों उद्घाटन करने में आया. लोगों को अच्छा इलाज उचित दर से मिलेगा. कोरोना का कहर दिन बर दिन बढ़ रहा है और मध्यम वर्ग के लोग इलाज के लिए या तो सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं. प्राइवेट अस्पताल का महंगा इलाज सामान्य वर्ग के योग्य नहीं है और सरकारी अस्पताल में दाखिल होने की इच्छा कम होती है. ऐसे मध्यम वर्गीय लोगों को अच्छा इलाज कम दर से मिले, इसलिए रोटरी क्लब ऑफ वापी और आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा राफेल कॉलेज GIDC वापी में रोटरी आरती डेडिकेशन कोविड हेल्थ सेंटर का निर्माण हरिया LG रोटरी हॉस्पिटल के सहयोग से करने में आया है. रोटरी आरती द्वारा शुरू किए इस कार्य में वापी के दूसरे उद्योगपति भी जुड़ गए हैं और दान करके मुसीबत की परिस्थिति में सामाजिक जवाबदारी अदा की है. राफेल ट्रस्ट द्वारा कॉलेज कैंपस बिना किसी दाम से देने में आया है. दान की रकम मेडिकल के उपकरण और अन्य सुविधा खड़ी करने और इलाज की दर को अनुदान करने उपयोग किया जाएगा. 75 मरीजों को इलाज दे सके ऐसी सुविधा खड़ी करने में आई है, जिसमें 19 मरीजों को ऑक्सीजन HFNC की सुविधा दी जाएगी. इस सेंटर का उद्घाटन 8 अगस्त के दिन वलसाड के कलेक्टर रावल साहेब, पार्डी के विधायक कनुभाई देसाई और रोटरी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रशांत शानीन के हाथों करने में आया था. બહુ પહેલી વાત હું સરસ્વતી કહું તો સરકાર અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ સાથ સાથ એનો એ ઉત્તમ નમૂનો આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છીએ. રોટરી ક્લબ, હરિયા હોસ્પિટલ અને આપના સ્થાનિક ધારાસભ્ય માન્ય કનુભાઈ અને VIA સૌની પ્રેરણા, માર્ગદર્શન અને સાથ અને સહકારથી વાપી ખાતે એક સુંદર મજાનું આ કોવિડ કેર સેન્ટર, કોવિડ હેલ્થ કેર સેન્ટર આપણા કોલેજના બિલ્ડિંગમાં શરૂ થઈ રહ્યું છે. એક વસ્તુનો એક આનંદ છે, કોરોનાની મહામારી વચ્ચે આપણને ઘણી બધી હાડમારી પડે છે, એની પણ વેચા દરેક વ્યક્તિના મનમાં છે, સ્વાભાવિક છે. પણ એક આનંદ એ વસ્તુનો થાય છે કે દિવસે દિવસે વાપીમાં ક્રમશઃ જે કેસોનું પ્રમાણ ઘટી રહ્યું છે અથવા તો સંક્રમણની સ્થિતિ જે નિયંત્રણમાં આવી રહી છે એનું મુખ્ય કારણ જો હોય તો અહીંની સ્થાનિક સંસ્થાઓ, અહીંના આગેવાનો અને અહીંના સેવાભાવી વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓનો સાથ અને સહકાર સંપૂર્ણ રીતે સરકારી તંત્રને મળ્યો છે અને એ મોટું કારણ છે. અહીં વાપી એટલે એશિયાની મોટી ઔદ્યોગિક નગરી, પરંતુ સતત અહીંના સ્થાનિક ધારાસભ્ય શ્રી કનુભાઈ સતત ચિંતા કરે, VIA સતત ચિંતા કરે, સ્થાનિક આગેવાનો અને નાગરિકો પણ સતત ચિંતા કરે અને એ ચિંતાના ચિંતન રૂપે, એના પરિપાક રૂપે આજે આપણે પરિણામ જોઈ રહ્યા છીએ. એક અદ્યતન હોસ્પિટલ ટાઈપની આપણને કોવિડ કેર સેન્ટર અહીંયા મળ્યું છે અને હું આ સંસ્થાના આયોજકોને, એમાંની કનુભાઈને, સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ટેસ્ટિંગની માટેની, હા, એના માટેની એક દરખાસ્ત અમને મળી છે અહીંયાથી. એ દરખાસ્ત સરકારમાં વિચારાધીન છે, પણ શક્ય એટલી એન્ટીજન ટેસ્ટ દ્વારા અમે ઘરે ઘરે જઈને જ્યાં જ્યાં જે વિસ્તારમાં સંક્રમણ અથવા જે વિસ્તારમાં અમને શરદી, ખાંસી, તાવના કેસો જ્યાં વધારે મળશે ત્યાં આજથી અમે નવી કીટો મંગાવી છે. 1500 કીટ અમારી જોડે એન્ટીજન આવી છે. એ વિસ્તારમાં અમે સઘન ટેસ્ટિંગ કરશું, એન્ટીજન ટેસ્ટિંગ, જેથી કરીને એ લોકોને લેબોરેટરી સુધી પણ જવાની જરૂર નહીં પડે. અમે આજનો રોજનો ટાર્ગેટ 700નો એનો રાખ્યો છે. VIA વિનંતી કરી છે અને એમણે પણ ખૂબ સુંદર પ્રતિસાદ આપ્યો છે. એ લોકો પણ સ્વૈચ્છિક રીતે 1500 જેટલી એન્ટીજન કીટ ખરીદવાના છે અને બીજા લોકો પણ અમે એ રીતે વ્યવસ્થા કરશું. એટલે એન્ટીજન કીટથી 700 રોજના આપણે ટેસ્ટિંગ કરશું
તો પણ જ્યાં કોઈ તાવ શરદી ખાંસી તાવના આવા કેસો છે તો એની પ્રાથમિક તપાસ થઈ શકશે. લગભગ તમામ હોસ્પિટલોને જાણ કરી છે, એના માટે એક કોર કમિટી એક કમિટીની નિમણૂક કરી છે. કમિટી બે દિવસથી એક એક હોસ્પિટલનું ચેકિંગ કરી રહી છે, તપાસ કરી રહી છે. 13 જેટલી હોસ્પિટલોને અમને પ્રમાણપત્ર મળ્યા છે અને જે કોઈ હશે જે કોઈ હોસ્પિટલ સંસ્થા તો અમે એને કહીએ છીએ કે તાત્કાલિક રીતે આ વ્યવસ્થા પૂરી કરો જેથી કરીને ભવિષ્યમાં કોઈપણને કોઈ પ્રશ્ન કે મુશ્કેલી ઊભી ન થાય. બે વસ્તુ હું બહુ સ્પષ્ટ કરી લેવા માગું છું. નંબર વન, કોઈપણ વ્યક્તિનું સ્વજન અથવા તો પરિવારજન કુટુંબીજન જ્યારે કોરોનાનો ભોગ બનતું હોય ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે એની વેદના હોય, વ્યથા હોય અને એની એક મુશ્કેલી હોય, એ આપણે સમજી શકીએ છીએ. આ એક સિક્કાની એક બાજુ છે, એની સાથે હું સંમત થઉં છું અને એવા લોકો પ્રત્યે મારી સહાનુભૂતિ છે. પણ સિક્કાની બીજી બાજુ પણ એ છે કે સતત 3.5 મહિનાથી આ તંત્રે કામ કર્યું છે અને મેં મારા અધિકારીઓની ટીમ પાડીને લગભગ જેટલા 400 જેટલા પેશન્ટ જે કોરોના મુક્ત થયા છે, સંક્રમણ મુક્ત થયા છે અને ઘરે આરામ કરે છે, એ વ્યક્તિગત એક એકનો સંપર્ક કર્યો છે અને 100માંથી 99% લોકોનો પ્રતિભાવ ખરેખર સારો મળ્યો છે, હકારાત્મક મળ્યો છે, એ વસ્તુની પણ આપણે નોંધ લેવી પડશે. રોટરી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત હરિયા રોટરી હોસ્પિટલ અને આરતી COVID-19 સેન્ટર જે અહીંયા રોફેલ મેનેજમેન્ટ કોલેજમાં ચાલુ થયું, એમાં સૌપ્રથમ તો આપણા જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને કલેક્ટર સાહેબનો ખાસ આભાર માનીએ. આ સેન્ટર થોડું જલ્દી ચાલુ થવું જોઈએ હતું પરંતુ 10 દિવસ લેટ થયું, પરંતુ આ સેન્ટર જિલ્લામાં શરૂ થયેલા તમામ સેન્ટરોમાં દરેક ગરીબ વર્ગને રાહતદાયક નીવડશે, કારણ કે અહીંના રેટ સૌથી ઓછા છે અને સૌથી ઓછા કાયમ માટે રહેશે. એટલે આ એક સારી સુવિધા વાપી ખાતે શરૂ થઈ છે અને એના માટે અમારા જે ખાસ ફિઝિશિયન ડૉક્ટર સિંહ, ડૉક્ટર શાંતિ CEO હરિયા રોટરી હોસ્પિટલ, ડૉક્ટર રાકેશ નાયક, રજનીશ, ભાવેશભાઈ અને ખાસ રોટરીના ગવર્નર પણ અહીંયા આના માટે આવ્યા છે, એ સૌને હું આભાર તેમજ અભિનંદન આપું છું. સબસે પહેલે તો મેં અપને કલેક્ટર સાહેબ કા, અપને લાડલે MLA કનુભાઈ કા, રોટરી ક્લબ કા, રોટરી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ કા, VIA કા, સબકા આરતી ગ્રુપ કા ધન્યવાદ દેતા હું કે યે સેન્ટર ચાલુ હુઆ આપ સબકે સહયોગ સે, ક્યુંકિ ગવર્નમેન્ટ હોસ્પિટલ કે ઉપર ભી લોડ બહોત થા, હમ લોગો કે હોસ્પિટલ કે ઉપર ભી કાફી લોડ થા, ક્યુંકિ હમ રૂટીન પેશન્ટ ભી હમ લોગ મના નહીં કર સકતે થે, ઇસલિયે ઇસ તરહ કા સેન્ટર બહોત જરૂરી હે. અબ યે સેન્ટર જો હે હમ લોગો કે સાથ હાથ સે હાથ મિલા કે કામ કરેગા. જિન લોગો કો આઇસોલેશન કી જરૂરત હૈ, ક્વારન્ટાઇન કી જરૂરત હૈ, જિન લોગો કો માઇલ્ડ સે મોડરેટ કેસીસ રહેંગે, જિનકો ખાલી ઓક્સિજન ઓર મિનિમલ કેર કી જરૂરત હૈ, ઉન સબકા હમ યહાં ઇલાજ કર સકેંગે. ઓર યહાં સે જિન લોગો કો ભી જો સિરિયસ પેશન્ટ રહેંગે, જિનકો વેન્ટિલેટર કી જરૂરત હોગી યા જિનકો કોમોર્બિડ કન્ડિશન હમ બોલતે હૈ, સાથ મેં કિસીકો ડાયાબિટીઝ હૈ, હાર્ટ પ્રોબ્લેમ હૈ, એસે પેશન્ટ કો હમને અપને હોસ્પિટલ મેં ભી બેડ્સ રિઝર્વ કિયે હુએ હૈ, ઉનકો હમ વહાં શિફ્ટ કરકે ઓર વહાં ઉનકા ટ્રીટમેન્ટ દેંગે. એક બાત નોટ કરને કી બાત હૈ કે હમ લોગો ને સબ ચીજ અપને હોસ્પિટલ મેં ભી ઓર યહાં ભી સબ ચીજ જો હૈ સબસિડાઇઝ રેટ મેં ટ્રીટમેન્ટ દેંગે. જો સરકાર શ્રી ને ગવર્નમેન્ટ જો રેટ્સ તય કિયે હૈ, હમને ઉસસે ભી કમ રેટ મેં જો હૈ સબકા ટ્રીટમેન્ટ કરને કા પ્લાન કિયા હૈ ઓર ઉસકો નક્કી કિયા હૈ. તો યે મેરે ખ્યાલ સે સેન્ટર બહોત હી ઉપયોગી રહેગા વાપી કી જનતા કે લિયે ઓર આસપાસ કે લોગો કે લિયે. દમણ ન્યૂઝ મેં વક્ત હૈ એક છોટે સે બ્રેક કા.
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। मक्का मदीना में टेंट किराए पर रखने के बहाने उल्लू बनाने वालों ने पल्सर के 23 से ज्यादा लोगों को 3.44 करोड़ का धोखा देने के केस में पल्सर सिटी पुलिस को सफलता मिली और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बलसाड़ के मोटा ताईवाड़ मस्जिद के पास रहता 44 वर्षीय सादिक मोहम्मद नजमल हुसैन इसब के घर की नज़दीक रहते जेबा मुबारक अब्दुल साथिया को उसने 3 साल पहले बताया था कि उसकी मक्का मदीना में मोटेलों और मुंबई हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय करती कंपनियों के साथ उसका व्यवहार चल रहा है। साथ ही में मक्का मदीना टेंट किराए रखते हैं, हज के वक्त दुगना किराया वसूल कर कमाई प्राप्त करते हैं। तुम रोकन करना चाहो तो 1 लाख से रोक सकते हो, तुमको सिर्फ 3 माह में 90,000 कमाई होगी। ऐसे लालच देकर वलसाड़ के 23 से ज्यादा लोगों को धोखा दिया था। उल्लू बनाने में जब मुबारक अब्दुल साथिया पति मुबारक अब्दुल साथिया, पिता मुश्ताक महमूद नवला, भाई तौसीफ मुश्ताक नवला, मुबारक अब्दुल लतीफा साथिया, अमीन अब्दुल रहीम मनियार, उस्मान आसिफ नवला और आसिफ महमूद नवला ने एक दूसरे की मदद से वलसाड़ के 23 से ज्यादा लोगों के पास से 3.44 करोड़ रुपए रोकने के नाम से लिए थे। दिनांक 30/11/2017 के बाद जेबा, उसका पति मुबारक और पिता मुश्ताक भाई और भाई तौसीफ दिखने को ना मिलते वह इंग्लैंड भाग गए होने की बात पता चली थी। लोगों को रुपए वापस ना देने के पूरे मामले सादिक मोहम्मद इसब ने वलसाड़ सिटी पुलिस स्टेशन में चेबा और उसके साथियों को स्कीमें बताकर विश्वास में लेकर धोखा देते होने की फरियाद दर्ज करवाई थी। जिस मामले आज रोज वलसाड़ सिटी पुलिस ने ग्रीन पार्क चिन्नत नगर में रहते असमान गनी को गिरफ्तार किया है और वलसाड़ सिटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चिन्नत नगर में रहते उस्मान गनी को गिरफ्तार किया है और वलसाड़ सिटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जो कि वलसाड़ सिटी पुलिस ने उस्मान गनी को गिरफ्तार कर जाँच शुरू की है। वलसाड शहर पुलिस स्टेशन में गत 18/1/2020 एक गुनो नोधायल जेना फरियादी सादिक मोहम्मद नजमल हुसैन ईसब उमर 44 वाला बे मोटा ताया वाला था जेमा गुनो 30/5/2015 थी 18/1/2020 सुधी बनेलो। जे गुनो में मुख्य आरोपी तरीके जेबा मुबारक अब्दुल साथिया रे मोटा ताया वाला हाल वलसाड ने हाल रहे इंग्लैंड तमज बे नंबर में मुश्ताक मोहम्मद नवला रहे मोटा ताईवर वलसाड हाल रहे चिथियावाड़ दमन अने ए साथे कुल 7 आरोपी मड़ी अने अलग अलग लोग पास थी एक बीजा आरोपी मेड़ापूपणी करी अने कावतरू रची अने ए रीतनो गुनो करेल ने आ लोकोने ए रीते समझायल के मक्का मदीना खाते मोटलो है तेज मक्का मदीना खाते टेन्ट है अने मुंबई हैदराबाद खाते कंस्ट्रक्शन धंधो करवानो है जेमा पैसा रोकाण करवाना है अने आ रोकाण करशो तो मोटो फायदो थशे ए रीते अलग अलग जे भोग बनना है एमनी पासे थी रुपया मेळवेला आ रीते कुल 3,44,50,000 जेटली रकम अलग अलग साहेदों पास थी अमने भेगी करी अने छेतरपिंडी अने विश्वासघात करेल। आ गुना में तपास दरमियान मुश्ताक मोहम्मद नवला ने तारीख 19/1/2020 रोज अटक कर अमीन अब्दुल मणियार ने 20/2 अटक कर आसिफ महमूद नवला ने तारीख 7/6/2020 रोज अटक कर उस्मान गनी आसिफ नवला रहे जीनतनगर ग्रीन पार्क वाला ने 6/8/2020 रोज अटक कर आज गुना कामे वोटेड आरोपी है जे पकड़ना बाकी है जेमा जेबा मुश्ताक अब्दुल साथिया जे मोटा ताईवर वलसाड वाला से जे हाल इंग्लैंड में है तथा तौसीफ मुश्ताक नवला रहे मोटा ताईवर जे पण हाल इंग्लैंड में से अने मुबारक अब्दुल लतीफ साथिया चिथियावाड़ दमण जे पण हाल इंग्लैंड में से आम जे त्रणे आरोपी वॉन्टेड से जे हाल इंग्लैंड में हो पकड़ा पर बाकी है ए सीवाय आरोपी हाल पकड़ाई गए पकड़ेला आरोपी ने
કાયદેસર ધરપકડ કરી અને રિમાન્ડ માંગવામાં આવેલ છે અને રિમાન્ડ પૂરી થતાં કોર્ટ હવાલે કરવામાં આવશે. હાલ સુધી પકડાયેલા આરોપીઓમાં તો ખાસ કોઈ આરોપી પાસે મુદ્દામાલ નહીં કબજે થયેલ. મુખ્ય આરોપી જે છે જે હાલ ઇંગ્લેન્ડમાં હોય અને તેમની પાસે મુદ્દામાલ હોવાનું પકડાયેલા આરોપીએ જણાવતા હોય તો જે આરોપી પકડાય ત્યારે આ મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવશે. ભીમપુર વિસ્તાર કે ખસ્તા રાસ્તે કી મરમ્મત કે લી યુવા ક્રાંતિ ફાઉન્ડેશન કે પ્રમુખ ઉદયભાઈ પટેલ ને પીડબ્લ્યુડી કો જ્ઞાપન દિયા. भीमपुर विस्तार के खस्ता रास्ता की मरम्मत के लिए युवा क्रांति फाउंडेशन के प्रमुख उदय भाई पटेल ने पीडब्ल्यूडी को आवेदन दिया होने की जानकारी मिली है. युवा क्रांति फाउंडेशन के प्रमुख उदय भाई पटेल पीडब्ल्यूडी को आवेदन पत्र देकर कई लंबे वक्त से खस्ता हुए भीमपुर विस्तार के खस्ते रास्ते की मरम्मत करने बताया है. पीडब्ल्यूडी को ज्ञापन देकर बताया है कि भीमपुर चार रस्ता से लेकर मोटी वांकण तीन रस्ता तक का रास्ता कई वक्त से खस्ता हालत में दिखने को मिल रहा है. इस रास्ते पर कुछ दूरी पर एक एक फुट के बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं. अभी बारिश के मौसम की वजह से खड्डों में पानी भरा रहता है जिससे वाहन चालक को परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है. बारिश की वजह से खड्डों में जब पानी भर जाता है तब वाहन चालक खड्डे में गिरने के हादसे और वाहन पर से गिर जाने की संभावना बढ़ रही है. यह रास्ता भीमपुर और मोटी वांकण ऐसे दो गांव को जोड़ता मुख्य रास्ता है जो कोस्टल हाईवे से जुड़ा है. युवा क्रांति फाउंडेशन के प्रमुख उदय भाई पटेल ने सहायक इंजीनियर राजेंद्र भाई सोलंकी को इस मामले रूबरू मिलकर अपील की. दोनों गांव को मिलते मुख्य रास्ते की जल्दी से मरम्मत की जाए जिससे हादसे की संभावना टाल सके. राजेंद्र सोलंकी ने भीमपुर और वांकण गांव के लोगों की मुसीबत को दूर कर जल्दी से रास्ते के मरम्मत की शुरुआत करने सकारात्मक आश्वासन दिया था. दमन के समुद्री तटों पर दिखा गंदगी का साम्राज्य. प्रशासन को गंदगी को फैलने पर रोक लगाने करने होंगे इंतजाम. दक्षिण गुजरात में पिछले तीन दिन से भारी बारिश के बाद अब मेघराजा ने विराम लेते दमन के समुद्र तट के किनारे कचरे का साम्राज्य फैलता दिख रहा है. समुद्र ज्वारा के बाद कचरा बहकर समुद्र तट पर आ गया है जिसकी वजह से दमन का समुद्री तट गंदगी का घर बन गया है. कोरोना काल में दमन में आना जाना कम कर दिया है. ऊपर से समुद्री तट पर फैली गंदगी की वजह से यहाँ के स्थानिक निवासी भी अब समुद्र तट पर नहीं आते. प्रशासन द्वारा त्योहारों पर सफाई अभियान शुरू करवाने में आता है जिसमें निजी संस्था और छात्र मिलकर समुद्र तट पर सफाई की कामगिरी शुरू करते हैं. मगर अभी जगह जगह लॉकडाउन की वजह से अभियान शुरू होने में अभी बहुत देर है. लेकिन तब तक गंदगी और बढ़े उसके पहले स्थानिक वहीवटी तंत्र सही कदम लेकर किनारा तट पर बिखरे कचरे को साफ करे ऐसे लोगों की मांग उठ रही है. वलसाड जिला के उमरगांव तहसील में इनरविल क्लब की महिलाओं द्वारा महिला पुलिस को फ्रेंडशिप बेल्ट बांधकर सम्मानित करने में आया. वलसाड जिले के उमरगांव तहसील में इनरविल क्लब की महिलाओं ने महिला पुलिस कर्मी को कोरोना वॉरियर्स किट और फ्रेंडशिप बेल्ट बांधकर सम्मानित किया था. कोरोना वायरस की लड़ाई में हर एक माध्यम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है. भारतीय संस्कृति में स्त्रियों के सम्मान को बहुत महत्व दिया जाता है. यश्य पूज्यन्ते नारायस्तु तत्र रमन्ते देवता अर्थात जहां स्त्री की पूजा करने में आती है वहां देवता निवास करते हैं. मगर इस हाल में जो परिस्थिति है उसमें महिलाओं का सर्वत्र अपमान हो रहा है. यह चिंता का विषय है. मगर आज हमारी संस्कृति महिलाओं ने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है. आज कोविड 19 की परिस्थिति में भी महिला पुलिस कर्मचारियों ने बड़ा योगदान दिया है. आज महिला पुलिस कर्मचारियों ने उमरगांव के इनरविल क्लब प्रमुख रत्ना रॉय, सेक्रेटरी मयूरी पंचाल, ज्योति संचेती खजांची, जरुणा मैडम, कदमवरी मैडम, पिंकी मैडम और जिला प्रमुख स्नेहा जैन और क्लब के अन्य सभ्यों से मिलकर उमरगांव पुलिस स्टेशन की महिला कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स किट और फ्रेंडशिप बेल्ट बांधकर उनकी प्रशंसा की थी.
ઉમરગામ ઇનરવેલ ક્લબ તરફથી આ જે પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો એ બદલ હું ઉમરગામ પોલીસ સ્ટેશન તરફથી ખૂબ તમારો ખૂબ આભાર માનું છું. અને આટલા બધા હમણાં ઘણા બધા એવા તહેવાર ગયા, આજે અમને એક તહેવારનો અહેસાસ જેવો થયો. થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ. તહેવારનો અહેસાસ જેવો થયો એ બદલ હું આપનો ખૂબ આભાર છું. वावी में प्रकृति प्रेमी प्रमुख ग्रुप द्वारा 40 बरगद के पेड़ का वृक्षारोपण करने में आया. वापी में कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के प्रसिद्ध ग्रुप द्वारा वापी नगर पालिका के सहयोग से चला विस्तार में 40 बरगद के पेड़ का वृक्षारोपण किया था. प्रमुख ग्रुप प्रकृति प्रेमी इस वृक्षारोपण के काम को निरंतर आगे बढ़ा रहे है. वापी में कंस्ट्रक्शन क्षेत्र ग्रुप बहुत प्रसिद्ध ग्रुप है. ग्रुप के डायरेक्टर वीरम भाटू, देवसी भाटू, अजित खोड़भाया उनके हर एक कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास सालों से वृक्षारोपण करते आ रहे हैं. उनकी इस परंपरा को उनके अन्य सभ्यों ने भी जारी रखी है. इस अंतर्गत शनिवार को वापी नगर पालिका के सहयोग से ग्रुप के सभ्यों ने 40 बरगद के पेड़ का वृक्षारोपण किया था. इस अवसर पर प्रमुख ग्रुप के डायरेक्टर पीयूष पाटू और सीईओ राम कंडोरिया ने बताया था कि इंसान और पक्षी को वृक्ष से अनेक लाभ होते आ रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हर एक नागरिक को वृक्षारोपण करना चाहिए. यह संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए वृक्षारोपण का आयोजन कर 40 पेड़ रोपे है. वृक्षों का रोपण हितकारी और पुण्यकारी है. पौधे में रणछोड़दास का वास है, ऐसी भावना ग्रुप के वीरम भाटू और देवसी भाटू और अजित खोड़भामा में है, जिससे वृक्षों पर यह विरासत बनी रहे, उनका प्रकृति प्रेम सदा रहे, इस उद्देश्य से यह वृक्षारोपण करने में आया था. आने वाले दिनों में भी जो क्षेत्रों में वृक्षारोपण की आवश्यकता होगी वह विस्तार में वृक्षारोपण कर हरियाली फैलाने निमित्त बनते रहेंगे, ऐसा प्रण प्रमुख ग्रुप के सभ्यों द्वारा लिया गया है. प्रमुख ग्रुप वापी अने वापी नगर पालिका ना सहयोग थी वृक्षारोपण आयोजन करेल हतुं. ए बदल वृक्षारोपण में आज वडवृक्ष वाव्या छे अने वडवृक्ष वाववाथी मनुष्य जाति पशु पंखीओने घणो फायदो थाय छे. अने वापीनी जनता ने विनंती करवा मांगू छूं के जे जेमने पण ज्यां भी मौको मळे यहाँ एने वृक्षारोपण करवू जोईए. अने आगळ जता जी प्रमुख ग्रुप वृक्षारोपण आयोजन आ रीतना करता रहेशे. अत्यारे अमे 40 जेवा आव्या छे અને આગળ બી આયોજન જેવી રીતના આયોજન થશે એવી રીતના આગળ બી અમે વાપી નગરપાલિકાના સહયોગથી આગળ બી અમે આગળ વાવવાની વૃક્ષારોપણ આગળ વધારશું. અમારી આ થીમ છે વૃક્ષણાના રોપણમ હિતમ, એટલે કે વૃક્ષનું રોપવું હિતકારી છે, પુણ્યકારી છે. છોડની અંદર પણ રણછોડનો વનવાસ છે, વાસ છે. આવી અમારા યશસ્વી અમારા પ્રમુખ ગ્રુપના ડાયરેક્ટર વિરમભાઈ ભાટુ તથા દેવસિંહભાઈ ભાટુ તેમજ અજીતભાઈ ખોડભાયા જે પ્રકૃતિ પ્રેમી પણ છે અને એમણે પણ આગળ આવા વૃક્ષારોપણ કરેલા છે, એમનીમાંથી અમને પ્રેરણા મળેલી છે અને અમે પણ એક વાપી નગરપાલિકાના સહયોગથી અહીંયા પ્રયત્ન કરેલ છે. આશાપુરા માનવ કલ્યાણ ટ્રસ્ટ વાપી ગુજરાત રાજસ્થાન દ્વારા પ્રજ્ઞાદાય દ્વારા પ્રજ્ઞાદાય મહારાણા પ્રતાપ નિર્મલ ભારત અભિયાન કે અંતર્ગત મેવાડમાં રાધન વૃક્ષારોપણ કાર્ય રાજસ્થાન જિલ્લે મેં 1 જુલાઈથી પ્રારંભ કિયા ગયા હૈ. પ્રકૃતિ પ્રેમ ઓર પર્યાવરણ ચેતના માનવ જીવન કલ્યાણ કા આધાર હૈ. जीवन जीने के लिए मनुष्य शरीर का महत्व कम नहीं है. मानव शरीर से ही जीवन यात्रा के सभी कर्म संभव है. मनुष्य शरीर और इंद्रियों में उलझकर मानव कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों को भूलकर मात्र शरीर केंद्रित होकर अपना जीवन व्यर्थ गवा देता है. आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे अभियान का उद्देश्य मानव जीवन कल्याण के निमित्त वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज को जागृत करना है. मनुष्य पौधारोपण एवं पर्यावरण के प्रति प्रज्ञाधय और महाप्रताप के जीवन से देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए दिए बलिदान का स्मरण करके अपने जीवन को मानव मात्र के लिए कल्याण कार्यों में लगाए. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वृक्ष हमारे लिए जीवनदाता और प्राणदाता होने के साथ साथ अन्नदाता भी है. महाराणा प्रताप ने जंगल में घास की रोटियां खाकर भी देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया. इसके प्रमाण इतिहास में मौजूद है. भील, राणा पुंजा और मेवाड़ के वन्याचल में प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो वन संपदा से उपलब्ध होने वाली जीवन रक्षक जड़ी बूटियों एवं वृक्ष लगाए थे, उन्हीं के बल पर महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने अपने जीवन की रक्षा करते हुए शत्रु को परास्त करने के साथ साथ न केवल मेवाड़ की प्रजा बल्कि
देश धर्म और संस्कृति के गौरव की रक्षा करते हुए हिंदुत्व की कीर्ति को बनाए रखा। आसापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की मान्यता है कि वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण में ही मानव मात्र का कल्याण है। मानव जीवन में इससे बढ़कर कोई दान पुण्य नहीं है। आसापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट सभी क्षेत्रवासियों से यह अपेक्षा रखता है कि सभी इस कल्याण कार्य में सहभागी बने। कहा जाता है कि एक सज्जन पुरुष और वृक्ष के गुणों में कोई भेद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, सभी वृक्षों में मैं पीपल वृक्ष हूँ। वृक्षारोपण मनुष्य के लिए पुण्य और वरदान स्वरूप है। वृक्ष परलोक में मनुष्य के पुत्र होकर जन्म लेते हैं। वृक्षों से प्रकृति में संतुलन बना रहता है। समय पर वर्षा होती है। धरती की शोभा वृक्षों से ही है। वृक्ष प्रकृति के परिधन और मानव के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षक, जलदाता और जीवनदाता है। बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए वृक्षारोपण जरूरी है। वृक्ष मानव जाति के अनन्य सेवक है। इन्हीं से हमें खाद और ईंधन तथा इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। शरीर के पोषण के लिए वृक्ष ताजी वायु प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य के लिए मधुर फल उपलब्ध करवाते हैं। वृक्ष मनुष्य के लिए प्राणदाता और आरोग्य प्रदान दोनों है। वृक्षों से औषधियाँ और मीठे फल प्राप्त होते हैं, जिनके बल पर मानव जीवन निर्वाह होता है। हमारे यहाँ श्रावण माह में वृक्षारोपण का बहुत महत्व है, क्योंकि वृक्ष हमारे लिए ऋषि तुल्य ज्ञान और जीवन के लिए आवश्यक फल, फूल, औषधियाँ प्रदान करते हैं। हम में से प्रत्येक को अपने पूर्वजों की कीर्ति बढ़ाने के लिए उनकी स्मृति में वृक्षारोपण करना चाहिए। आसापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट ने इसी उद्देश्य से प्रज्ञादय महाराणा प्रताप निर्मल भारत अभियान प्रारंभ किया है। औषधीय पौधों की खेती और वन संपदा का संरक्षण मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। वनों से लकड़ी, लाख, गोंद, रेशम, कथिया, फल, फूल, वनौषधियाँ आदि मिलती है। वनों के बिना मनुष्य जीवन बंजर भूमि के समान है। आसापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट यह जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रहा है। किस प्रकार क्षेत्र में औषधीय पौधों एवं फलदार वृक्षों के माध्यम से क्षेत्रवासियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। क्षेत्र में वनों की श्री समृद्धि सरकार के साथ साथ जनता का नैतिक कर्तव्य है। राष्ट्र की समृद्धि के भाव को दृष्टिगत रखते हुए आसापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा यह अभियान प्रारंभ किया गया है। सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि इस अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें तथा राजसमंद जिले की सभी तहसील एवं ग्राम पंचायतों में आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा प्रारंभ किए पर्यावरण चेतना अभियान को सफल बनाए। तो हम लोग का योजना था कि 2019 में हम लोग 25,000 पौधे राजस्थान के 5 जिलों में मेवाड़ क्षेत्रफल, पन्ना दही की बलिदान भूमि, पन्ना दही की जन्म भूमि, पन्ना दही की कर्म भूमि, महाराणा प्रताप की जन्म भूमि, मेवाड़ क्षेत्रफल से हम लोग ये 25,000 पेड़ पौधे 5 जिलों के क्षेत्रफल में, तहसीलों में, पंचायतों में और बड़ी बड़ी संस्थाओं के बीच में शासन प्रशासन का सपोर्ट लेकर इस काम को किया जा रहा है। 1 महीने से ये अभियान कंटिन्यूस चल रहा है। हमारा 25,000 पौधे लगवाने के जो लक्ष्य हैं, हम लोग पंचायत पंचायत में जा जाकर प्रत्येक व्यक्ति को, एक परिवार को 2 पौधे दे रहे हैं हम, जो वो 2 पौधे आराम से वो बड़ा कर सकते हैं। और पौधे भी हम वो दे रहे हैं जो उन परिवारों को उन पौधों की आवश्यकता है। कोई नींबू मांगता है तो देते हैं, कोई अनार मांगता है, कोई पेरू मांगता है, कोई जैमून मांगता है। जिस तरह के पौधे से वो लोग प्यार करते हैं, उसी टाइप का पौधा उन्हें दिया जा रहा है, जिसे उन पौधे को आजीवन बड़ा करेंगे और उनके बच्चों के लिए भी वो पौधा लाभदायक रहेगा। तो ऐसा करके हमें 25,000 पौधों का हमारा लक्ष्य है। वो लक्ष्य आने वाली 27 तारीख तक पूरा किया जाएगा। आज पौधा लगाने का कार्य हम 2015 से कर रहे हैं। करीबन हमने 80,000 से लाख पौधे हमने वितरण किए होंगे एवरेज। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी की शक्ति बायो साइंस में लगी भयानक आग। उमरगांव के मरोली माछीवाड़ में एक कोरोना मरीज को लेने पहुंचे आरोग्य और पुलिस विभाग के कर्मी का ग्रामजनों ने किया विरोध। राज्य मंत्री रमन पाटकर ने बारिश से प्रभावित हुए 1,000 परिवार को सहाय प्रदान की। वलसाड़ में मक्का मदीना में टेंट भाड़े से देने के बहाने धोखाधड़ी करने वालों को किया गया गिरफ्तार।
तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। हाय, आई एम SP पंजा। दोस्तों, इस धरती पर इंसान दो तरीके से जीता है, पहले अपने भौतिक शरीर से और दूसरे पैसे से। जब भी कोई इंसान इस धरती पर से चला जाता है तो उसकी मौजूदगी कोई नहीं भरपाई कर सकता है, किंतु पैसे की भरपाई हो सकती है। वो कैसे? उसका तीन ही जवाब। पहला जवाब LIC, दूसरा जवाब LIC, तीसरा जवाब सिर्फ और सिर्फ LIC। जब भी मैं लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करने के लिए बात करता हूँ, तभी कई लोगों के चेहरे पे ना ही आ जाता है। ऐसे इंसान के दिमाग में दो ही नेगेटिव सवाल। पहला नेगेटिव सवाल, LIC मरने के बाद पैसा देती है, इंश्योरेंस क्यों ले? दूसरा नेगेटिव सवाल, LIC लंबी अवधि के बाद मिलता है पैसा, LIC क्यों लो? ये दोनों सवालों को दिमाग के अंदर ऐसे पाल के रखे जैसे दिमाग को चारों ओर चैन से बांध लिया और लॉक कर दिया हो। दोस्तों, डोंट वरी, इस ताले की चाबी आज तीन जॉब से मैं देता हूँ आपको। पहला जॉब, LIC मरने के बाद ही पैसा देती है, ऐसा जरूरी नहीं है। LIC जिंदा भी पैसा देती है, इसीलिए तो कहा जाता है कि LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दूसरा जॉब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस समय मौत इर्द-गिर्द मंडरा रही है? अगर हाँ, तो यही समय है LIC पॉलिसी परचेस करने के लिए, यही उचित समय है। निवेदन है कि आप कृपा करके पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अनीता मैडम से ही लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारा हर सपना, ये सब कुछ अब मैं छीनूंगी तुमसे। जब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी, तब आंसू मेरे भी बहेंगे। मैं बर्बाद हुआ हूँ, लेकिन इस बर्बाद होने का कोई गम नहीं है, क्योंकि वो खुश है। आपके सामने पीतल और सोना दोनों था, और आपने पीतल को चुना और अनमोल सोना खो दिया। आपको बर्बाद करने की जो जिद है प्रेरणा, उसमें मैं हर तरह से उसके साथ। प्यार निभाने के तीन अनदेखे अंदाज, कसौटी जिंदगी की, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। Why beat one opponent when you can beat two? Three teams. That's big. That's massive. Two halves. One match. Bowden, he's got one. A format you have never seen before. What a magnificent night this has been. Like literally, you've never seen it before. It's new. And the last batter stands. This format, who thought of the rule? Watch the Solidarity Cup on 18th July at 2 p.m. live on the Star Sports Network.